हेलो दोस्तों वायलोस स्कूल में आप सभी का फिर से स्वागत है मैंने एलटी अटैच पे दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और ये हमारा आखिरी वीडियो होगा इसमें पार्ट थ्री वीडियो है तो इसमें हम एलटी अटैच के सारे कॉल फ्लो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम एक बार रिकेप कर लेते हैं कि हमने पिछले वीडियोज में क्या क्या पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब हम यूवी को ऑन करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें होती है ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए और हमेशा हर इंटरव्यू में आपको यहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट करना है कि जब हम यूवी को ऑन करते हैं तो क्या क्या चीजें होती है उसके बाद हमने पढ़ा था कि रैच रिक्वेस्ट और रैच रिस्पॉन्स में सब चीजें कैसे होती है क्या क्या इंफॉर्मेशन

या, य, को फॉर एक्टिवेशन ऑफ डिफॉल्ट व्यूर तो यूनोटी ने डिफॉल्ट एक्ट, व्यर एक्टिवेट करके उसका रिस्पॉन्स दे दे जैसे ही वो आ, एमएमई के पास पहुंच जाता है तो वो अब एक प्रोसेस एक एक तरफ से एमएमई और इनोट बी के बीच में जो भी कम्युनिकेशन का, का वो था वो अब वहीं पे कंप्लीट हो जाता है अब जो यूवी और इनोटबी के यूवी और इनोटबी के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सपे एक्सचेंज होंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही वो एक्टिवेट डिफॉल्ट डिफॉल्टियर कम्प्लीट हो गया तो यूनोट बी क्या करता है सबसे पहले यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी करता है तो ये यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप कह लीजिए इस मैसेज के थ्रू इनोड भी जानना ये चाहता है यूवी से कि भाई तुम क्या क्या चीजें सपोर्ट करते हो जैसे तुम एल में कौन सा बैंड सपोर्ट करते हो तुम अगर फाइव जी सपोर्टेड हो तुम एनआर में कौन सा बैंड सपोर्ट करते हो तुम एल के किस किस बैंड से कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट कर सकते सको तो तुम, तुम कौन सा कितना मैक्सिमम थ्रूपुट सपोर्ट कर सकते हो तुम कौन से कैटेगरी के हो तुम्हारा तुम क्या क्या फीचर सपोर्ट कर सकते हो तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एल पढ़ रहे हो तो एल से रिलेटेड इनोड भी यूवी को पूछेगा जो यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी में वो मैसेजेस जाएंगे तो जैसे ही ये मैसेज यूवी कैपेबिलिटी इंक्वायरी यूवी के पास पहुंच जाता है तो यूवी समझ जाता है कि मुझसे मेरी कैपेबिलिटी पूछी जा रही है तो वो क्या करेगा कि यूवी कैपेबिलिटी रिस्पांस भेजेगा यूवी कैपेबिलिटी रिस्पांस में वो क्या चीजें भेजेगा कि वो क्या क्या बैंड सपोर्ट करता है टू के लिए क्या क्या बैंड सपोर्ट करता है वो थ्री जी के लिए वो एल टी में कौन सा बैंड सपोर्ट करता है वो उसकी बैंडविथ कितनी मैक्सिमम सपोर्टेड है वो बैंड क्लास इन्फॉर्मेशन है ये कैरियर एग्रीगेशन का पार्ट है हम जब कैरियर एग्रीगेशन की वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे कि बैंड क्लास इन्फॉर्मेशन क्या है उसकी यूवी की कैटेगरी क्या है तो हमारे पास एल टी में मैक्सिमम मतलब इन टेलीकोम्युनिकेशन हमने बहुत तरह की यूवी कैटेगरी कैटेगराइज करके रखा है जैसे कैट वन कैट टू कैट थ्री कैट फोर कैट फाइव कैट सिक्स नाइन ऐसे टेन ट्वेल्थ ऐसे तक सिक्सटीन तक अभी तक मुझे यहाँ बना दे उससे भी ज्यादा हो सकती है कैटेगरी तो ये एक दूसरे से डिफरेंट है मतलब यूवी को हमने कैटेगराइज करके रखा है अगर आप लोगों को ये डाउट होगा तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यूवी कैटेगरी क्या है हर यूवी की कैटेगरी पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर यूवी कैटेगरी वाइज कुछ कुछ लाइक थ्रूपुट मैक्सिम कुछ डिफरेंट थ्रूपुट सपोर्ट कर जैसे कैट वन मिनिमम थ्रूपुट का सपोर्ट करता है कैट वन से ज्यादा कैट थ्रू टू करता है आई गेस नॉट श्योर बट डिफरेंस है कुछ कैट ऐसे हैं जो सिमिलर जैसे कैट सिक्स की बात करें कैट जैसे कैट फोर की बात करें तो इट सपोर्ट्स 150 फिफ्टी एमबीपीएस अगर कैट सिक्स की बात करें तो वो 300 सौ एम सपोर्ट करता है कैट नाइन की बात करें तो फोर फोर्टी एमबीपीएस सपोर्ट करता है सारे मैंने डाउनलिंग थ्रूपुट बोले हैं दोस्तों तो ऐसे ही और भी कैटेगरीज हैं यूवी को जो वो सपोर्ट करता है तो उसमें वो कैटेगराइज किया रहता है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन एलिमेंट यूवी कैपेबिलिटी रिस्पॉन्स में इनोडवी को भेजता है

आई गेस रिलीज नाइन आया तो उसके बाद फिर वो थर्टी टू से सिक्सटी थ्री बीट तक हो गया मतलब ऐसे करके वो अलग अलग फीचर्स डिनोट करता है अगर मैं सब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दू तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कि अगर आपका आ, ऐसे करके अगर हम बीट बना के रखें मान लीजिए ये बीट जीरो है ये ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है राइट ये ये वन था तो अगर ये जीरो आया राइट अगर ये बाइनरी जीरो है इसका मतलब ये जो भी फीचर इसके से कोरोस्पॉग मैप है वो इसके लिए इनेबल है Uh, अगर जीरो है तो वो डिसेबल है अगर वन है तो वो इनेबल है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू आपको तो फीचर ग्रुप इंडिकेटर बिट फोर थ्री फोर ऐसे होते हैं जिनसे पता चलता है कि आपकी यूवी जो है वो सी डी आर एक्स डी आर एक्स सपोर्ट करती है कि नहीं करती है तो ऐसे भी बहुत सारे फीचर ग्रुप इंडिकेटर के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारा जो यूवी है दोस्तों वो क्या क्या फीचर सपोर्ट करता है नहीं करता है जैसे कैरियर एग्रीगेशन के लिए uh, बीट नंबर नीडेड टू बी इनेबल अगर वो इनेबल है तो यहाँ पे आपका यूवी कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है और नहीं नहीं इनेबल है तो नहीं करता है जैसे कि मैंने बताया फोर फोर इज बेसिकली फॉर शॉर्ट डीआरएक्स अगर फीचर ग्रुप बिट फोर इनेबल है तो वो शॉर्ट डियर सपोर्ट करेगा अगर फाइव इनेबल है तो वो लॉन्ग डियर सपोर्ट करेगा अगर एट सपोर्टेड है तो वो एट बिट अगर ट्रू है तो वो हैंड सपोर्ट करेगा तो ऐसी चीजें हैं जो फीचर ग्रुप इंडिकेटर के थ्रू हम जान सकते हैं तो आपके पास एक और टॉपिक मिल गया है कि फीचर ग्रुप इंडिकेटर क्या होता है इस चीज को पढ़ सक नहीं समझ में आएंगे चीजें तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इससे आगे ये इस चीजें और भी क्लियर हो जाए कि आपको समझ में आए कि, कि क्या है चीजें कैसे होती है तो फीचर ग्रुप इंडिकेटर के बाद uh, हम जो आई मीन यूवी कैपेबिलिटी रिस्पॉन्स यहीं पे कंप्लीट करते हैं और आगे हम बात करते हैं कि जब ये सब चीजें हो जाती हैं जब कैपेबिलिटी एक्सचेंज हो गया तो उसके बाद इनोट uh, e भी क्या करता है दोस्तों कि आर आर सी कनेक्शन रिकॉन्फिगुरेशन प्लस अटैच एक्सेप्ट का मैसेज भेजता है जो कि अभी तक उसने होल्ड करके रखा था अब उसने यूवी को भेजा है तो आर आर सी कनेक्शन रिकॉन्फिगुरेशन यहाँ पे एस आर बी टू कॉन्फिगर होती है दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे बी टू कॉन्फिगर होती है ठीक है तो आर सी कनेशन रिकॉन्फिगुरेशन प्लस अटैच एक्सेप्ट में जो भी इन्फॉर्मेशन एलिमेंट रहता है वो आर एल सी कॉन्फिग्रेशन रहता है मैक कॉन्फिगरेशन रहता है सी डी आर एस कॉन्फिग्रेशन क्यूसीआई रहते हैं डीआरबी कॉन्फिगर रहता है एसआरबी जिससे मैंने बताया पी एन पीडीएन ऑपलिंग पावर पीडीसीपी सीक्वेंस नंबर एक्सेट्रा तो और भी कॉन्फिगरेशन रहते हैं बट ये सब चीजें रिकॉन्फिगर होती है इसका मतलब है कि पहले से चीजें थी फिर उसको वापस बी बोल रहा है यूवी को प्लीज री इट तो ये सब चीजें रिकॉन्फिगर हो रही है तो यहाँ पे एसआरबी टू कॉन्फिगर होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्यों होता है तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों तो आर आर सी कनेक्शन रिकॉन्फिगुरेशन अगर ये सब चीजें यूवी सक्सेसफुली डिकोड कर रहा है तो उसके बाद वो भेजेगा आर आर सी कनेक्शन रिकॉन्फिगुरेशन कम्प्लीट प्लस अटैच कम्पलीट तो ये आर आर सी कनेक्शन रिकॉन्फिगुरेशन प्लस कम्प्लीट मैसेज फैले यूबी यूनोट बी को भेजता था और यूनोट बी ने उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया एमएमई को तो अटैच कंप्लीट यहाँ पे हो गया दोस्तों अब जब अटैच कंप्लीट हो गया तो यूवी अगर डेटा एक्टिविटी हो रही अगर होगा तो वो कॉन्टिन्यूस डेटा रिसीव करेगा पीडीएन पीडीएन गेटवे के थ्रू और यूवी के बीच में इस वो कॉल वो फ्लो स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज आईपी अलोकेट हो गया राइट तो और वो सर्विंग गेटवे राउटिंग का काम करेगा तो अगर नहीं है तो फिर उसको एम क्या करेगा आर कनेक्शन रिलीज कर देगा और वो आइडल मोड में चला जाएगा तो ये था आपका एल अटैच सिमिलर टू दैट मैं 5G अटैच या 5G रजिस्ट्रेशन भी अपलोड करूंगा ताकि आप दोनों ही पैरेलली चीजें लेके चले जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चीजें अच्छी तरह से समझे क्योंकि अगर आप एक पार्ट पढ़ रहे हो अगर एक पार्ट पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो तो दूसरी पार्ट पे आप थोड़ा बहुत भी फोकस करोगे तो आपको चीजें दोनों एक साथ आगे बढ़ती रहेंगे क्योंकि चीजें नाइनटी परसेंट सिमिलर है सिर्फ टेन परसेंट का ही डिफरेंस आता है एल और फाइव में कुछ चेंजेस है कुछ प्रोसेस चेंजेस है कुछ नाम चेंजेस है तो दोस्तों ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है आप लोगों को आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा प्लीज कमेंट करें ताकि मैं और भी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूं और अपने दोस्तों को प्लीज रिक्वेस्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि थोड़ा व्यू बढ़े और ताकि हम जल्दी से जल्दी एक अच्छे सब्सक्राइबर तक पहुंच सके नंबर ऑफ अकाउंट थोड़ा बढ़ जाए तो चलिए दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ वीडियो का अंत तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप आशा करता हूं कि आपको एल टी अटैच प्रोसेस बहुत अच्छा लगा होगा थैंक यू वीडियो का अंत तक बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों